का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 4.1। चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.1 में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फोर्थ चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स इन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, वेयर ए कोमा बी कोमा सी आर रियल नंबर, ए डज नॉट इक्वल जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो होता है। उसमें ए एंड बी एंड सी आर रियल नंबर, ए डज नॉट जीरो यानी ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, इसमें बी एंड सी जीरो के बराबर हो सकता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ये कौन सी फॉर्म होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। इससे हम पता कर सकते हैं ये इक्वेशन कौन सी है। इस इक्वेशन से हम पता कर सकते हैं ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जैसे इसमें स्क्वायर और आता है, स्क्वायर आता है यानी एक्स का पद होता है जो स्क्वायर आता है, इसमें एक्स स्क्वायर आता है, एक्स का पद आ सकता है तथा कांस्टेंट पद भी आ सकता है जैसे ए सेवन एट। मतलब इसमें एक्स क्यू नहीं आएगा। यदि एक्स क्यू आ गया तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। जैसे नेक्स्ट पेज पे है, चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ। फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, वेयर जहाँ ए डज नॉट इक्वल जीरो यानी ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, एंड ए कोमा बी कोमा सी आर रियल नंबर, एंड एक्स स्क्वायर यानी एक्स के जो पद में होगा वो स्क्वायर होगा, जैसे एक्स स्क्वायर होगा यानी इसकी जो ये पावर है, ये पावर है ये स्क्वायर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए पावर? पावर स्क्वायर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्क्वायर होनी चाहिए पावर। और ए डज नॉट इक्वल यानी ए जीरो नहीं होना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है, इसमें ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, एंड ए कोमा बी कोमा सी रियल नंबर होने चाहिए यानी बी एंड सी जीरो हो सकते हैं, इसमें ए जीरो नहीं होगा। यदि ए जीरो हो गया तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते। जैसे एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल जीरो, तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे क्योंकि ये फॉर्म में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की। सेकेंड एग्जाम्पल है वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 200 इक्वल जीरो, इसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 बराबर जीरो यानी जीरो के इक्वल है, इसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सीधे सीधे समझ सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो इसके फॉर्म में होनी चाहिए, उसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ पर ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, बी एंड सी जीरो हो सकते हैं, उसे हम क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं। क्योंकि इसमें देखो सेकंड एग्जांपल में देखो बी बराबर जीरो है कि नहीं, एक्स का पद नहीं है यानी बी बराबर जीरो है, यानी हम बी बराबर जीरो हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। यदि ए बराबर जीरो हो गया तो यहाँ पर जीरो रखेंगे तो एक्स स्क्वायर का पद खत्म हो जाएगा, तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते। नेक्स्ट आज है 4.1 एक्सरसाइज में क्या है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमें बताना है ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इसको हम किस तरीके से करेंगे? हमें पहले ही पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस
सी बराबर जीरो, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी यदि फॉर्म में आएगा तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, इसके फॉर्म में नहीं आएगा तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल 2 × x-3। तो इसको हमें बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि है या नहीं। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x = 2x-6, यानी 2 का x में फिर 2 का -3 में ये हो गया। उसके बाद ये 2x 2x कैंसिल हो गए, तो ये 6 इधर आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 + 6 = 0 हो गया। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 = 0। यानी ये बताना हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो ये इसकी फॉर्म में है, हाँ है। इसमें ए डज नॉट इक्वल 0, यानी ए 0 नहीं होना चाहिए, ए 0 नहीं है इसमें, तो हम इससे बोल सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर -2x = -2 × 3-x। इसको हमें बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इसका -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 + 2x, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -2x। ये 2x इधर आएंगे तो -2x, 6 - के तो इधर आएंगे तो +के, तो = 0। तो एक्स स्क्वायर ये कितने हो गए? 4 हो गए। तो एक्स स्क्वायर -4x + 6 = 0। यानी ये देखो, हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में है या नहीं है। यहाँ पर ए बराबर क्या है? 1, बी बराबर -4, सी बराबर 6। यानी ए 0 नहीं होना चाहिए, एंड जो एक्स स्क्वायर का टर्म है वो स्क्वायर ही होना चाहिए, क्यूब ना हो, यानी स्क्वायर होना चाहिए, एंड ए डज नॉट इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट पार्ट का। क्वेश्चन है, x - 2 × x + 1 = x - 1 × x + 3। यानी ये हमें बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसको किस तरीके से करेंगे? एक्स स्क्वायर का पहले दोनों पदों में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया, -2 का उधर दोनों दोनों स्टेप में करेंगे तो -2x - 2। उसके बाद एक्स का करेंगे दोनों में तो एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स का 3 में 3x, -1 का x में -x, -1 का 3 में -3। इसको सेपरेट कर लो, यानी एक्स एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ इधर क्या बचा? -x - 2, इधर क्या बचा? 2x - k, यानी 3x में से -k x गए तो कितना बचा? 2x - 3 बचा। उसके बाद इसको उधर लेके आओ तो -k x - k 2 - k 2x + 3 = 0। तो ये क्या हो गया? -k 3x + 1 = 0। यहाँ पर a = 0 है, यानी a = 0 है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते। हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था कि ए डज नॉट इक्वल 0, यानी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती, यदि ए बराबर 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 4 है, x - 3 × 2x + 1 = x × x + 5। इसमें x का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, -3 का 2x में करेंगे तो -k 6x, -3 का 1 में करेंगे तो -k 3। उसके बाद x का करेंगे दोनों में तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको सेपरेट कर लो, एक्स स्क्वायर उधर का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 5x इधर आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो 2x² में से एक्स स्क्वायर गए तो एक्स स्क्वायर -k 5x - 5x - k 10x - 3 = 0। यानी इसको देखो, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। यस, कैसे? कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में है। यहाँ पर a = 1, b = -k 10, c =
-3, यानी a डज नॉट इक्वल, यहाँ a 0 के बराबर नहीं है, एंड एक्स स्क्वायर का टर्म स्क्वायर स्क्वायर है यानी क्यूब नहीं है, यानी स्क्वायर ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 2x-1 इंटू x-3 इक्वल x+5 इंटू x-1, तो इसका 2x का दोनों में करेंगे तो 2x2, 2x का -3 में तो -6x, -1 का x में -kx, -1 का -3 में तो +3x, इक्वल x का x में x2, x का -1 में तो -kx, 5 का x में 5x, +5 का -1 में तो -k5। अब इसको सेपरेट कर लो, इसको इधर ले आओ, इधर ले आके आएंगे तो इसके चिन्ह आपस चिन्ह चेंज हो जाएंगे इसके, तो 2x2 -7x+3 ये हो गया -6x, -x कितना हो गया -k7x+3, ये इधर आएंगे तो -x2+x -5x+5=0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x2-11x+8=0, यानी ये बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। हम बोल सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किस तरीके से, जैसे ax2+bx=0 इसकी फॉर्म में है, हाँ ये इसकी फॉर्म में, तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। यस, आंसर यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, x2+3x+1 इक्वल x-2 का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया x2+3x+1 इक्वल, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो x2+b² यानी -2² कितना हो गया 4, तो 2ab -2ab, तो a की जगह x, b की जगह 2, तो ये कितना हो गया -k 4x। अब x2 से x2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3x, ये उधर आ गया तो 4x+1, ये +k 4 है, इधर इधर जाएंगे तो -4, ये बचा 7x-3=0। ये बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें a बराबर 0 है, इसमें क्या है a बराबर 0 है, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते, इसमें x2 का टर्म नहीं आ रहा है, जिसमें x2 का टर्म नहीं आएगा उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 7 है, x2+2³ इक्वल 2x·x²-1, तो क्या हो जाएगा, इसका होल क्यूब खोलेंगे तो x³+2³+3·x·2 एक कोष्टक में x+2 इक्वल 2x³-2x, यानी होल क्यूब खोल दिया, उसके बाद एक्स क्यू इसको सॉल्व करेंगे, 2³ 8, यानी ये कितना हो गया 2·3 6 6x, एक कोष्टक में x+2 इक्वल 2x³-2x, ये हो गया x³+8, इसका 6x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x में तो x² 6x² 6x का 2 में करेंगे तो 12x इक्वल 2x³-2x। इस क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो 2x³ इधर आएंगे तो ये -k 2x³, 2x यहाँ प्लस के हैं तो यहाँ माइनस के हैं, तो इधर के इसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x³+3x² + 12x+8 - 2x³+2x=0, तो इसको सॉल्व करके आ गया x³-x³+6x² + 14x+8=0। ये बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, इसको हम देखो, इसमें x³ का टर्म आ गया तो हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x³ का पद नहीं आता है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c बराबर क्या होता है 0 होता है, यानी ए यहाँ पर ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ए डज नॉट इक्वल 0, इसमें एक्स क्यू का टर्म आ गया तो हम बोल सकते हैं नहीं है, नो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन है x³-4x²-kx+1 इक्वल x-2³, तो इसको सॉल्व करेंगे x³-4x²-x+1, इसका होल क्यूब खोल दो, a-b का होल क्यूब खोल दो, तो
तो एक्स क्यू माइनस एट माइनस के सिक्स एक्स एक कोष्टक में एक्स माइनस के टू, तो इधर क्या हो गया, सिक्स एक्स का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, माइनस सिक्स एक्स का माइनस टू में करेंगे तो प्लस के ट्वेल्व, ट्वेल्व एक्स, तो इसमें एक्स क्यू इधर भी एक्स क्यू है तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इधर ले आओ तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर, इधर ये प्लस के सिक्स एक्स स्क्वायर, ये माइनस के एक्स हैं, ये उधर हो गए माइनस के ट्वेल्व एक्स प्लस वन, ये माइनस के हैं इधर प्लस के हो जाएंगे। तो क्या इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या आया, टू एक्स स्क्वायर माइनस के थर्टीन एक्स प्लस नाइन इक्वल जीरो। इसको बताया जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं हम बताएंगे इसको। क्या है आंसर, नो, वो सॉरी यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो की फॉर्म में है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।